जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव के नतीजे इस बार बहुत ही चौंकाने वाले नजर आए। बिल्कुल सही बात है कि 57 साल बाद एक इतिहास बना है और वो इतिहास बना है एक निर्दलीय के विजय होने का। जी हाँ, इस बार का इतिहास वाकई कुछ ऐसा ही रहा कि एक निर्दलीय ने सभी संगठनों को, चाहे वो NSUI हो, ABVP हो, चाहे किसी भी संघ का हो, उससे अलग हटके निर्दलीय उम्मीदवार को इस बार छात्रों ने विजय घोषित किया है। विजय घोषित करने के पीछे क्या मनसा थी छात्रों की, ये तो जानने के ही विषय रहेगा। लेकिन हाँ, हमारे साथ रविंद्र सिंह भाटी हैं। इन्होंने इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरा और वाकई एक अच्छे मतों से विजय हुए हैं। 1264 मतों से विजय होने का इतिहास रचा है। और निर्दलीय सर, पहली बार आपने 57 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, जब से यूनिवर्सिटी बनी है उसके बाद से पहली बार कोई निर्दलीय उम्मीदवार छात्र संघ चुनाव जीता है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही बढ़िया, और ये जो जीत है ये कार्यकर्ताओं की और उन तमाम विद्यार्थियों की जीत है जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है। और मैं वादा करता हूँ मैं अपने विश्वास पर पूरी तरीके से खरा उतरने की कोशिश करूँगा। और विश्वविद्यालय के अंदर एक अलग सी पहल, और उसके अलावा विश्वविद्यालय प्रशासन और जो विद्यार्थी वर्ग है उसके बीच में एक सामंजस्य बिठा कर एक परिवार की तरह इस विश्वविद्यालय को चलाने की पूरी कोशिश करूँगा। क्या मुद्दे लेके आप छात्रों के बीच गए थे और उन मुद्दों को अब आपके ऊपर जिम्मेदारी आ गई है, तो किस तरीके से निर्वाह करेंगे, किस तरीके से आप उनको पूरा करेंगे? सबसे बड़ी चीज़, विद्यार्थी वर्ग चाहता प्रवेश परीक्षा और परिणाम समय पर हो, उसके अंदर पारदर्शिता हो, और उसके अलावा छात्र संसद होनी चाहिए जिसके अंदर विद्यार्थी छात्र संघ जिसकी लीडरशिप करे, और विश्वविद्यालय प्रशासन और विद्यार्थियों के बीच में सीधा संवाद हो जिससे लेकर उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो विश्वविद्यालय को भी पता चले और समय रहते उनके काम हो। और मैं चाहता हूँ कि एक विश्वविद्यालय के अंदर प्लेसमेंट की सेल हो जिसकी मैं पूरी भरपूर कोशिश करूँगा। आज पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, इसकी पश्चिमी राजस्थान के अंदर रिफाइनरी आई है, तो कई सारी मल्टी नेशनल कंपनीज आई है यहाँ पे, और वो सारी अगर प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे हमें अलग अलग सेल दें तो यहाँ के जो विद्यार्थी हैं उनको रोजगार के मामले में कहीं जाना नहीं पड़ेगा, दूर दराज भटकना नहीं पड़ेगा, विश्वविद्यालय के जो बच्चे हैं वो एक सही दिशा में जाएंगे। लेकिन रविंद्र, तुम्हारे साथ में जो गठबंधन हुआ है, तुम्हारे साथ में जो संसद के दूसरे जो आपके महासचिव सचिव और उपाध्यक्ष वगैरह हैं वो बड़े अलग अलग जगह, तो उनके साथ में कैसे कोऑर्डिनेट बैठाएंगे, क्योंकि उनकी विचारधाराओं को आप अपने साथ कैसे मिलाएंगे, या क्या आप उनकी विचारधाराओं को साथ में लेके काम करेंगे? जैसा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती, तो मैं चाहता हूँ कि एक कदम वो बढ़ाएं और एक कदम मैं बढ़ाएं, हम सब एक परिवार की तरह हैं। हाँ, विचारधारा अलग है पर काम तो छात्र हितों के लिए करना है, चाहे वो करें हम करें। मैं चाहता हूँ कि सबको एक साथ मिलकर एक मजबूत छात्र संघ बनाकर विश्वविद्यालय के लिए हम तैयार रहें, हर समय खड़े रहें। विश्वविद्यालय की जो विद्यार्थियों ने हम सब पर विश्वास जताया है उस विश्वास पर हम खड़े रहें। एक सवाल ये कि 57 साल का रिकॉर्ड तोड़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। विश्वविद्यालय जब से बना है, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जब से बना है, उसके बाद से आप पहले कैंडिडेट हैं जो निर्दलीय के रूप में, कहीं ना कहीं आप पहले ABVP से भी आपने टिकट की मांग की थी, शायद उन्होंने आपको टिकट नहीं दिया, कहीं ना कहीं उनको भी इस बात का मन में मलाल होगा शायद। अब साहब, मेरे बड़े भाई साहब कुणाल सिंह जी भाटी, वो विद्यार्थी परिषद से अध्यक्ष थे, मेरी हमेशा से विचारधारा उनके साथ ही मिली है, उनके बताए रास्ते पे चला हूँ, तो मेरी भी यही इच्छा थी कि मैं विद्यार्थी परिषद की विचारधारा को लेकर विद्यार्थियों के बीच में जाऊँ, पर किन्हीं वजह से अंदर बैठे चंद दलालों के कारण उस संगठन का नाम खराब किया और मेरी टिकट काटी। पर जो विद्यार्थी वर्ग ने जो मेरे पे विश्वास जताया, हकीकत में मैं उनका तहे दिल से आभार करता हूँ और उनके वादों पर पूरी तरीके से 100% खरा उतरने की कोशिश करूँगा। आखिरी सवाल कि आपके ऊपर छात्राओं ने भी खूब विश्वास जमाया है, जोधपुर के कैनल कॉलेज से आपको बहुत वोट मिले हैं और भी जगहों से छात्राओं ने आपको खूब वोट दिए हैं, तो क्या मानते हैं अब, क्या उनकी जो इच्छाएं हैं, उनका जो सुरक्षा का वादा है, आपने सुरक्षा की बात कही, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महिलाओं के ऊपर बात करते हैं, उनके सुरक्षा की बात करते हैं, तो आप उनको कैसे मतलब प्रवोक करेंगे ताकि वो अपने आप को अच्छे से सुरक्षित महसूस करें कि एक अध्यक्ष के रूप में हमें एक अच्छा अध्यक्ष मिला है, एक अच्छा भाई मिला है, एक अच्छा दोस्त मिला है और वो हमारी सुरक्षा अच्छे से करेगा? सबसे बड़ी चीज़, सुरक्षा हमें खुद को करनी चाहिए, खुद की सुरक्षा खुद के हाथ में होती है। मैं सबसे पहले सेल्फ डिफेंस के लेके इनको कोर्स, इनके जो जो कार्यक्रम वगैरह है, कैंप वगैरह है, उन पर जोर दूंगा और इनको बताऊंगा कि हमें खुद की सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। चलो आज हम विश्वविद्यालय के अंदर हैं
तो पूरी तरीके से विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी है कि सुरक्षा करे। पर विश्वविद्यालय आप छोड़ के जब आगे जाओगे तब कैसे करोगे? आदमी को खुद से अंदर से स्ट्रांग होना चाहिए। और मैं आज जिस हिसाब से मैंने विश्वविद्यालय के अंदर देखा है, कैनोल के अंदर देखा है, जो बच्चियों के अंदर जोश है, जो छात्राओं के अंदर जोश और उत्साह है, मैं यकीन दिलाता हूँ ये एक ऊर्जावान व्यक्तित्व हैं सारे, और ये एक अलग पहल करेंगे। और सेल्फ डिफेंस पे मैं सबसे ज़्यादा फोकस दूंगा, क्योंकि सेफ्टी, उनकी सेफ्टी उनके हाथ में है। यही जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय है जहाँ से अशोक गहलोत ने भी अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, और गजेंद्र सिंह शेखावत जो जल शक्ति मंत्री है उन्होंने भी अपनी शुरुआत यहीं से कहीं ना कहीं की थी। तो क्या लगता है, आप पहले पायदान पर खड़े उतरे हैं, आगे राजनीतिक करियर क्या मानते हैं आप अपना? साहब, मैं वर्तमान में जीता हूँ, भविष्य में नहीं। और रही बात दूसरी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं छात्र संघ अध्यक्ष बनूंगा, विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में आऊँगा, पर यह सौभाग्य मिला, छात्र छात्राओं ने मेरे पर विश्वास जताया, सबसे बड़ी चीज़ यही है। और मुझे अभी जो कर्तव्य मिला है मैं पूरी तरीके से इस पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। आगे फ्यूचर में क्या होता है, भविष्य में क्या होता है, वो कोई मायने नहीं रखता। वर्तमान अगर सही साफ तरीके से आप करते जाओगे, पूरी निष्ठा से 100% दे के साफ नीति से करते जाओगे, सब बढ़िया होगा। और मैं वर्तमान में जीने वाला हूँ, भविष्य नहीं देखता। ये थे रविंद्र सिंह भाटी, जिन्होंने अपना पूरा फ्यूचर बताया कि इन्होंने किस तरीके से सबको साथ लेकर के चुनाव लड़ा है। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के नवनिर्वाचित रविंद्र सिंह भाटी के बहुत सारे वादे हैं जो कि छात्र छात्राओं से किए हैं, उन्हें पूरे करने हैं। कहीं ना कहीं छात्राओं के लिए एक ऐसी यूनिट खड़ी करनी है जो कि उनको सेल्फ डिफेंस दे, उनके परिणाम सही तरीके पर आए, उनकी परीक्षाएँ सही समय पर हो, और भी बहुत सारे इनके जो वादे हैं उन पर ये खरा उतरने की कोशिश करेंगे और आगे विश्वविद्यालय का नाम देश और दुनिया में बढ़ाएंगे। जोधपुर से नवीन दत्त, आज तक।